हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसा फेस पैक बनाने का नुस्खा बताऊंगी जिससे आपका चेहरे का रंग एकदम से गोरा निकल आएगा और आप एकदम से खूबसूरत दिखाई देंगे। फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि हम अपने फेस पर कुछ भी नहीं लगाते हैं जिससे हमारी स्किन एकदम से रफ बेजान होने लग जाती है और हमारी स्किन कम उम्र में ही बढ़ती उम्र जैसे हम दिखाई देने लग जाते हैं। तो फ्रेंड्स, समय समय पर अपने फेस की केयर करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप अपने चेहरे पर बाहर के केमिकल वाले प्रोडक्ट यूज़ नहीं करते हैं तो घर में ही आप इन नुस्खों को बनाकर अपने फेस पर लगाइए और अपने फेस को हमेशा के लिए गोरा और जवान बनाकर रखिएगा। इस नुस्खे को बनाने के लिए आज मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ कर्ड यानी कि दही का, और दूसरा मैंने यहाँ पे लिया है शुगर पाउडर यानी कि चीनी पाउडर। तो चलिए शुरू करते हैं आज के नुस्खे को। सबसे पहले आपको यहाँ पे लेनी होगी दही। आपको फ्रेंड्स 2 चम्मच के लगभग दही लेनी होगी और इसके बाद आपको इसमें ऐड करना होगा 1 चम्मच बेसन। बेसन हमारी स्किन पर स्क्रबिंग का कार्य करता है जिससे हमारी स्किन एकदम से खूबसूरत और जवान हमेशा के लिए दिखाई देती रहेगी। और अब आपको इसमें 1 चम्मच ऐड करना होगा चीनी पाउडर यानी कि शुगर पाउडर। और इसके बाद फ्रेंड्स आप इस पे एक चीज और ऐड कीजिए, वो है नींबू। आपको इसमें 1 चम्मच नींबू का रस ऐड करना होगा। इस तरह से आप इसमें 1 चम्मच नींबू का रस ऐड कर लीजिएगा। इन चारों चीजों को आप अच्छे से मिक्स कीजिए। मैंने फ्रेंड्स इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद अब आपको इसे अपने फेस पर लगाना होगा। लगाना कैसे है फ्रेंड्स, इस तरह से आप इसे अपने फेस पर लगा लीजिए। इस तरह से फ्रेंड्स आप इसे अपने फेस पर लगा लीजिए और लगाकर 5 मिनट तक अपने फेस पर लगाकर रखिएगा। 5 मिनट के बाद फ्रेंड्स अगर ये आपका पैक आपके फेस पर थोड़ा सा सूख जाता है तो आप इस पेस्ट को थोड़ा सा और लेकर अपने फेस पर लगाइए और अपने चेहरे पर इसकी मसाज कीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स बेसन और हमने जो इसमें शुगर पाउडर लिया है वो हमारे चेहरे पर एक स्क्रबिंग का कार्य करता है और स्क्रबिंग का कार्य तभी कर पाएगा जब हम इस पेस्ट का यूज़ अपने फेस पर लगाने के बाद उससे मसाज करेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स आप इसे अपने फेस पर लगाकर मसाज कीजिएगा। मसाज आपको बहुत ही हल्के हाथों से करनी है। लगभग 10 मिनट तक आप इसे अपने फेस पर मसाज करते रहिएगा। दोनों हाथों से आप बहुत ही अच्छे से हल्के हाथों से मसाज करते रहिएगा। और दूसरा, अगर आपके फेस पर नींबू सूट नहीं करता है तो आप इसमें नींबू की जगह 1 चम्मच रोज वाटर ऐड कर सकती हैं। और अगर आपके पास रोज वाटर नहीं है, के बिना भी इस पैक को बनाकर अपने फेस पर यूज कर सकती हैं। अगर आपकी स्किन एकदम से डल बेजान हो गई है और आपका चेहरा एकदम से काला दिखाई देता है और आपके चेहरे पर बिल्कुल भी चमक नहीं रही है और आप कम उम्र में ही ज़्यादा बूढ़े दिखाई देने लग गए हैं, तो इस पैक का यूज़ आपको रोज़ाना 1 वीक तक करना होगा। और अगर आपको इस तरह की समस्याएं कम है तो इसका यूज़ वीक में 2 बार ज़रूर कीजिएगा। ऐसा करने से आपका चेहरा एकदम जवान और खूबसूरत बना रहेगा। जब भी आपको ऐसा लगे कि आपका चेहरा डल दिखाई दे रहा है तो आप इस पैक को बनाइए और अपने फेस पर यूज़ कीजिएगा। तो ये था आज का मेरा नुस्खा। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर बाजू के बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।